फ्रेंड्स, रेसिपी गुरु जी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मलाई कोफ्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। जिसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 बड़े चम्मच मलाई लिए हैं, ये दूध की मलाई है, आप चाहो तो इसकी जगह क्रीम भी यूज कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इसको मैंने हाफ आधा कट करके बॉईल कर लिया और पील कर लिया है। और इसको बनाने के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच मैदा लिया, आप चाहो तो बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको मैंने इस तरीके स्लाइसेस कट कर लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। 1 इंच अदरक लिया है, इसको मैंने इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं। 8 से 10 गार्लिक के पीस लिए हैं। 1 हरी मिर्च ली है, इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने क्यूमन सीड लिया है, यानी जीरा लिया है। 1 पिंच हींग लिया है। 1 पिंच रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला लिया है। सॉल्ट यानी नमक टेस्ट के अनुसार। कोफ्ते की स्टफिंग के लिए मैंने काजू लिए हैं, 8 से 10 काजू लिए हैं, और 5 से 6 बादाम, और थोड़े किशमिश लेके इसको मैंने क्रश कर लिया है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, बाउल में आलू ऐड करेंगे, इनको हम इस तरीके से फोड़ लेंगे। आलू को अच्छे से मैंने मैश कर लिया है, ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच मैदा ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें 2 छोटे चम्मच मैदा डाले हैं। अगर लगे आपको कि आपका जो ये बैटर है वो थोड़ा गीला है, तो आप इसमें और भी मैदा ऐड कर सकते हैं। अब इसके हम कोफ्ते बनाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा ले लेंगे, आप अपने जैसा आप छोटा बनाना चाहो या बड़ा बनाना चाहो उस हिसाब से ले सकते हैं। एक बॉल बना लेंगे हम, इस तरीके से एक लोई बना लेंगे, इसमें बीच में से इस तरीके से गड्ढा कर लेंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भरेंगे, इस तरीके से बंद कर देंगे। और इस तरीके से गोल गोल बना लेंगे। और इसे प्लेट में रख लेंगे। इस तरीके से हम और भी बना लेंगे। इस तरीके से हम और भी कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते की स्टफिंग हो गई है, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। पैन में तेल लेंगे, तेल हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें पहले फ्राई करने हैं कोफ्तों को। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। इनको हमें मीडियम और लो फ्लेम पे सेकना है, ताकि जो कोफ्ते हैं वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। ज़्यादा फ्लेम रखेंगे तो जो कोफ्ते हैं वो जल जाएंगे। कोफ्ते हमारे एक साइड से सिक गए, इन्हें हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। कोफ्ते हमारे दोनों साइड से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसके लिए हम ग्रेवी तैयार करेंगे। पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे, वो तेल मैंने निकाल दिया था सभी। तेल गर्म हो गया, इसमें गार्लिक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे,
फ्राई कर लेंगे इनको, साथ में ही हम ऑनियन भी डाल देंगे। इसको हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया, हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें टमाटर डालेंगे, साथ में हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे ताकि जो टमाटर है जल्दी पक जाए। लगभग इन्हें हम 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, अब इन्हें हम एक जार में निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ऑनियन, टमाटो, जिंजर, गार्लिक का मैंने पेस्ट बना लिया है। पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे। जीरा भुनने के बाद इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और इनको हम लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब इसमें हम जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, जो टमाटो का पेस्ट बनाया था उसको डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि मसाले से तेल बाहर ना आ जाए। लगभग 2 मिनट हो चुकी है, अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। पानी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम लगभग 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। लगभग 2 मिनट हो चुकी है, अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक मैं पहले भी कोफ्ते में भी ऐड किया था और थोड़ा सा टमाटर में भी, इसलिए थोड़ा सा डालूंगी। मिक्स करेंगे और इसमें मलाई ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। और एक बाउल में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म पनीर मलाई कोफ्ता बनकर तैयार है। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट भी बना है। इसको आप पूरी, चपाती, नान आदि के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको आप किसी भी पार्टी या कोई गेस्ट आने पे बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।